आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बाद अब अपनी मांगों को लेकर महिला बाल विकास की आशा उषा सड़क पर उतर आई हैं। जिले भर से हजारों आशा उषा कार्यकर्ताओं ने ताली बजाते हुए भिंड शहर में पैदल मार्च निकाला। पैदल मार्च शहर के किला गेट से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां आशा उषा कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम कलेक्टर को ज्ञापन वर्षों से लगातार हमारा आंदोलन चल रहा है, उसमें नियमित करने की मांग है, वेतन देने की मांग है। और वर्तमान में अभी 24 जून 2021 को प्रस्ताव बनाया गया था, सरकार की प्रतिनिधि के तौर पर छवि भारद्वाजी जो नेशनल हेल्थ मिशन की संचालिका है, उन्होंने ये प्रस्ताव बनाया था कि आशा को 10,000 सहयोगियों को 15,000 रुपये देंगे, उसे तत्काल प्रभाव से एरियर सहित लागू किया जाए, ये हमारी मांगे हैं। अभी हमने सुना है मुख्यमंत्री जी ने एक वीडियो जारी किया, सॉरी वो एक खबर प्रेषित की है कि हम आशा कार्यकर्ताओं को 15 से 20 अप्रैल के बीच में बुलाएंगे, उसका ये कदम स्वागत योग्य है। लेकिन वो ये ध्यान रखें कि हमारे 10,000 का फैसला तो आपने छवि मैडम के द्वारा 2021 में ही करवा दिया था, इसलिए आगे अगर बात करेंगे तो उनके हम धन्यवाद करेंगे। तो अभी आपने किस तरह प्रदर्शन किया है, क्या मांग है आपकी, मतलब आप कलेक्टर से मिलने के लिए जिद कर रहे हैं? हम लोग कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए, हमारा ज्ञापन मुख्यमंत्री जी के नाम से है और ये प्रदेश व्यापी आंदोलन है, पूरे प्रदेश में खाली चम्मच बजाते हुए सरकार का सरकारी तौर पर ध्यान आकर्षित करते हुए हमने ये प्रदर्शन किया है, मुख्य मार्गों से रैली निकाली है और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है। वर्तमान में अभी कलेक्टर साहब यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन हम उनका इंतजार करेंगे। हमारे साथ ये भेदभाव सरकार ही कर रही है, अभी हमारा प्रशासन भी करेगा तो ये काम कैसे चलेगा। हम कलेक्टर साहब के एक मौखिक आदेश पर एक मैसेज करता है कलेक्टर साहब आज फील्ड में, हम लोग अपना खाना पीना सब भूल करके फील्ड में पहुंच जाते हैं, आज हम कलेक्टर साहब से मिल करेंगे। अच्छा, पहले भी आपने कलेक्टर से मिलने के प्रयास किए हैं क्या? हाँ, कलेक्टर साहब से मैं पिछली बार भी मिलने का प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने सामूहिक रूप से आने के लिए मना कर दिया था। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कलेक्टर साहब बैठते हमारे पास गोली होती है, लेकिन पैरासिटामोल की बुखार ऐसा खोल होता है, बंदूक की गोली नहीं, जिससे हमारी सरकार डरे, हमारे शासन डरे। तो आपको क्या लगता है कलेक्टर क्यों नहीं मिलना चाह रहा है आप लोगों से? कलेक्टर साहब को मिलना चाहिए, वो क्यों नहीं मिलना चाह रहे ये वो जाने, लेकिन अगर वो नहीं मिलेंगे तो ये अच्छा। आप लोग वापस मत जाइएगा, नहीं मिलेंगे। आपके आने से पहले 5 मिनट पहले कलेक्टर साहब ने किए, आपके आने से 5 मिनट पहले कलेक्टर साहब ने किए, क्या कहना है? सूचना तो जरूर होगी सीआईडी के माध्यम से, पुलिस प्रशासन के माध्यम से, हमारे साथ हमारा पूरा पुलिस प्रशासन चल रहा था। जब हमारी रैली की सूचना थी तो 2-4 मिनट उनको इंतजार करना चाहिए था, कोई बात नहीं, वो बहुत उनका समय कीमती है, मगर हमारा समय तो हल्का है, हम तो शाम तक वेट करेंगे। क्या लगता है क्यों सामने करना चाह रहे कलेक्टर साहब आपका? शायद उन्हें जिला स्तर की समस्याओं पर तुरंत निवारण करने के लिए आश्वासन देना पड़े, शायद उन्हें बात करनी पड़े। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।